यूँ बिल्कुल न्यू रेसिपी है, लौकी से बना पनीर। ये आपने एक लौकी से कितना सारा पनीर बना लिया, आपको मार्केट से कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है, ना दूध और ना पनीर। देखिए कि बैठ के घर में ही बनाइए। तो आइए चलते हैं, ये देखते हैं कहते हैं कि रसोई में आपका स्वागत है। और देखिए मैं आज क्या लेके आए हैं। आज मैं देखिएगा, आपको बाजार से पनीर लाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही आपको कोई दूध खरीदने की ज़रूरत पड़ेगी। आप बिना दूध के लौकी से पनीर बनाएंगे और देखिए कितना टेस्टी बनेगा। और फिर मैं आपको इसकी सब्जी भी बना के दिखाऊंगी। तो आप फुल वीडियो देखते रहेगा, स्टेप बाय स्टेप। देखिए मैं क्या करती हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी कि इस लौकी को छील लेती हूँ बहुत अच्छे से। ये देखिए, जैसे मैंने, मुझे इतनी लौकी का बनाना है। तो मैंने लौकी बिल्कुल ताज़ी लीजिए, इसके अंदर बीज ना हो तभी वो अच्छी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। और फिर हम इसको, ये देखिए, इस तरह करके इसको छील लेते हैं। अच्छे से छीलिएगा इसका, क्योंकि मुझे इसको ग्राइंड करना है। और आप फुल वीडियो देखिएगा, पता लगेगा आपको। इस तरह से मैं पूरी लौकी अपनी छील लेती हूँ। ये देखिए, इस तरह से सारी छीलती जाऊँगी और छील के फिर इसके पीसेस कर लेती हूँ। अगर बीज हो तो सारे बीज निकाल दीजिएगा, नहीं तो फिर हमारा ये जो मैं पनीर बनाऊँगी ये अच्छा नहीं बनेगा। और देखते रहिएगा कि भी लौकी से पनीर कैसे बना है। ये देखिए, अब बिल्कुल आप पता नहीं लगा सकेगा, कोई भी आपका मेहमान भी आएंगे, कि ये लौकी से बना है। ये देखिए, अब हमने इसको इस तरह से काट दिया। अब देखिए हमारे इसमें बिल्कुल बीज नहीं है इसमें। तो अब हम इसको देखिए ऐसे छोटे छोटे कट कर देंगे। ये देखिए, ये कट कर देंगे इस तरह से। और इसे मिक्सी लेंगे और मिक्सी में इसको, ये देखिए, इस तरह से हमने मिक्सी में इसको डाल देंगे और सारा पीस लेते हैं। ये देखिए सारी लौकी मैंने, देखिए, काट ली है। और ये छिलकों को भी नहीं फेंकेंगे। मैं इसकी भी सब्जी बनाती हूँ मेरे चैनल पर। इसकी सब्जी लौकी के छिलकों की सब्जी पड़ा हुआ है ये वीडियो, आप इसको ज़रूर देख के इसको बनाइएगा। बहुत ही टेस्टी ये सब्जी बनती है। अब क्या करूँगी, 2 चम्मच मैंने दही लिया हुआ है, ज़्यादा दही नहीं डालेंगे, बस थोड़ा सा डालेंगे। और थोड़ा सा इसमें पानी डाल देते हैं इसको, जिससे कि इसको पीस लेते हैं। और इसको पीस लेते हैं, इसको इसको भी पीस के दिखाती हूँ। ये देखिए पीस गया, देखिए कितना महीन लग रहा है ना, एकदम वाइट। ये इसमें मैं क्या करूँगी कि हल्का सा सॉल्ट डाल दूंगी इसमें, पर और कुछ नहीं डालना है हमको, बस सॉल्ट डालना है थोड़ा सा इसमें, बस हल्का सा। वो भी दही खट्टा नहीं लीजिएगा। ये हो गया, अब मैं इसमें डालूंगी, ये देखिए मैं ये पर, ये देखिए चावल का आटा है, तो ये चावल का आटा इसमें डालूंगी। तो देखिए कितना डालती हूँ, तो एक, देखिए 2, 3 और ये 4 चावल का आटा। आप फर्स्ट ना हो तो आप चावल को पीस के भी आटा बना सकते हैं, लेकिन डालिएगा चावल का आटा ही, बेसन मत डाल दीजिएगा, नहीं तो फिर ये हमारा कोफ्ता बनकर तैयार हो जाएगा। मैं बना रही हूँ लौकी का पनीर। तो ये देखिए, इसको हम इस तरह से अच्छे से, ये देखिए, मिक्स करते हैं। और ये से इसको मिक्स करके ऐसा इसका पेस्ट बना लेते हैं। ये देखिए इस तरह से पेस्ट, हमको बहुत पतला नहीं करना है इसको, अच्छे से इसमें इसको फेंक देंगे। ये देखिए ये हो गया। अब हम देखिए आगे, देखिए क्या करते हैं, इसके अंदर थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालते हैं। ये देखिए 1 पिंच डाला मैंने, इतना ज़्यादा मत डालिएगा नहीं तो कड़वा हो जाता है। और इसको फिर से हम अच्छे से फेंट देते हैं। ये देखिए, ये देखिए अच्छे से मैंने इसको, देखिए फेंक दिया। अब हमने क्या किया है कि एक इस तरह का एक बर्तन लिया है, कोई भी बर्तन जो आपके कंटेनर में आ जाए, उसमें मैंने ऑयल लगा दिया है। तो और इधर मैंने, देखिए ये क्या किया है, ये देखिए इधर मैंने एक बर्तन रखा है, ये बर्तन जिसमें कि मैं अपना ये पानी डाल दिया गर्म करने के लिए। ये देखिए मैंने रखा है ये, इसमें केक वगैरह बनाती हूँ। ये देखिए ऐसे पानी डाल दिया है इसके अंदर, ये देखिए, और इसको रख दिया है। और इधर मैंने अपना, ये देखिए ये जो मैंने बनाया था ना मिक्सर, ये इसको इसके अंदर रख देते हैं इसको। तो 15 मिनट में ये हमारा बन के पनीर तैयार हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा टैप कर देते हैं, देखिए, और इसको इसमें रख देते हैं। देखिए मैंने इसमें रख दिया है। अब देखिए अभी साथ में हो जाए, तो मैंने देखिए ये प्याज लिया है, ये देखिए, तो प्याज को इसमें साइड में रख देंगे, इस तरह डाल देंगे, तो ये भी इसके साथ ही हो जाएगा। और एक मैंने टमाटर लिया है, वो भी इसी के साथ डाल देंगे, तो जल्दी हमारा बन जाएगा ये। और साथ में मैंने अदरक का टुकड़ा लिया है, वो भी डाल दूँगी। और लहसुन लिए हैं मैंने, ये देखिए ये भी डाल दूँगी। और साथ में ये 2
हरी मिर्च लिए ये भी डाल दूँगी। और अब इसमें इसका ढक्कन बंद कर देते हैं और फिर बताती हूँ क्या होता है। ये देखिए मैंने रख दिया है प्याज टमाटर और लहसुन और अदरक सब साइड में डाल दिया है और इसको बंद कर देते हैं 15 मिनट के लिए। देखिए इस तरह से इसको बंद कर देंगे, 15 मिनट बाद इसको देखते हैं मीडियम फ्लेम रखेंगे। ये देखिए हमने निकाल लिया है स्टीम से इसको, इसको ठंडा होकर इसको इसमें प्लेट में निकाल देते हैं। और इधर जो मैंने ये प्याज और ये सब डाला था ये देखिए लहसुन हरी मिर्च अदरक प्याज टमाटर से टमाटर का छिलका निकाल दूँगी और इसको मिक्सी के जार में लेके और इसको पीस लेती हूँ। तो इसको पीस लूँगी इसको इसी तरह से पूरा डाल के और इसको पीस के ही हमारा मसाला भी तैयार हो जाएगा। ये देखिए और इसके साथ देखिए मैंने क्या क्या लिया हुआ है, इसके साथ देखिए मैंने लिया है, देखिए इसके साथ मैंने लिया है जीरा आधा चम्मच, काली मिर्च, लौंग और बड़ी इलायची। ये देखिए लिया है ये भी इसी के साथ मसाले के साथ डाल देती हूँ तो ये इसमें फिर से आएगा। ये देखिए इसमें मैंने डाल दिया, अब इसको पीस लेते हैं। ये देखिए मसाला मैंने पीस लिया, ये देखिए ये पीस लिया है। उसके साथ में देखिए मैंने क्या क्या लिया है, एक चम्मच देखिए हल्दी ली है ये देखिए, और 1.5 चम्मच करीब धनिया लिया है और आधा चम्मच ये मैंने लाल मिर्च लिया और नमक लिया है। देखिए इतना मसाला लिया है। और इधर मैंने क्या किया है कि इधर मैंने अपना गैस पर की तरफ चलिए, ये देखिए मैंने एक पैन रख दिया, कढ़ाई रख दिया है, उसके ऊपर कुछ कुकिंग ऑयल डाल दिया है और अब मैं ये गर्म हो गया है तो इसको इसमें डाल देते हैं। देखिए इसमें डाल दिया है, पुआ मसाला इसमें भी लगा हुआ था तो वो भी मैं लगा के इसको इसमें डाल दूँगी। देखिए और इसको थोड़ा सा भून लेते हैं क्योंकि मसाला तो ये भुना ही हुआ था, अब थोड़ा सा इसको भून लेते हैं फिर मैं अपना यार मसाला इसमें ऐड करूँगी। तो देखिए थोड़ा सा मैंने इसको चला रही हूँ और अब ये मसाला मैंने जो रखा हुआ है ये देखिए वो डालूँगी इसमें। ये देखिए ये जो मसाला है ना ये वाला मेरा धनिया हल्दी मिर्च और नमक ये मैं अपने इस वाले कढ़ाई वाले मसाले में डाल देती हूँ। देखिए कढ़ाई वाले मसाले में इसको डाल दूंगी इसमें, ये देखिए इसको सॉटे करते हैं, इसको धीरे धीरे इसको भूनते हैं इसको देखिए। और जब तक मेरा पनीर ठंडा हो चुका है मैं उसको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए ये देखिए मेरा पनीर लौकी से, और ये देखिए लौकी से बना पनीर जो बहुत ही अच्छा बना है, आप देख लीजिए उठा के कितना सॉफ्ट बना है, ये देखिए कितना सॉफ्ट है ये देखिए। तो इस तरह से आप बना लीजिए तो बहुत सारा बनेगा और बाज़ार से आपको लाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और बहुत ही हेल्दी है ये पनीर देखिए ये। चलिए इधर देखिए इधर मसाला हो रहा है मेरा, तो मसाला को देखते हैं। और ये देखिए तो मसाले में अभी भून रहा है, देखिए जब भून जाएगा तब इसमें ग्रेवी डाल देंगे, पहले हम पनीर ऐड नहीं करेंगे, पहले हम इसमें ग्रेवी डालेंगे। थोड़ा और ये भून जाएगा तब फिर मैं इसमें ग्रेवी डाल देती हूँ। ये देखिए मेरा भून चुका है, इसमें मैं ग्रेवी डाल देती हूँ। देखिए जिस हिसाब से आप खाएँ आप ग्रेवी डाल दीजिए। ये देखिए मैंने डाल दिया इसमें और उसको खोलने देते हैं। उसके बाद देखिए फिर मैं क्या करती हूँ, इसको चलाते रहिए इसे। ये देखिए पूरी ग्रेवी मेरी बन गई है। अब मैं थोड़ी सी कस्तूरी मेथी को हाथ से ऐसे क्रिस करके, ये देखिए ऐसे ले लिया और हाथ से थोड़ा सा क्रिस करके और इसको इसमें डाल दूंगी तो उसे बहुत ही अच्छा खुशबू आती है, बहुत ही अच्छा ये लगेगा। तो अभी मेरा हो चुका है, अब मैं गैस को ऑफ़ कर दूँगी और ऑफ़ करने के बाद ही हमने जो ये अपना पनीर बना के रखा हुआ है ये इसमें ट्रांसफ़र करेंगे। ये देखिए मैं करके इसमें ऐसे करके अपने पनीर को डाल देंगे। ये देखिए बहुत ही टेस्टी बनेगा, आप इसको ज़रूर बनाइए एक बार और पसंद आएगा तो आप इसको ज़रूर लाइक और शेयर करेंगे और ये घर में ही बना लेंगे। एक लौकी से लेके कितना सारा पनीर हमारा बन के तैयार हो गया और कोई पहचान भी नहीं पाएगा कि ये किस चीज़ से बना हुआ पनीर है और बिल्कुल पनीर का टेस्ट आएगा इसमें। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको सारा अपना डाल दिया है इसी में, ये देखिए, और इसको ढक देंगे और फिर जब खाएँगे तो उसको धनिया डाल के सर्व करेंगे। तो ये देखिए मैंने सब अपना इसमें डाल दिया है, ये देखिए कितना अच्छा देखने में भी लग रहा है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी है ये। तो इसको चलिए सर्व करते हैं। देखिए बनके तैयार हो गए हैं और ये देखिए पसंद आए तो लाइक करेंगे शेयर करेंगे और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करेंगे
और बेल आइकन जरूर क्लिक करिएगा और देखिएगा, बताइएगा ये कैसा बना है, अपनी डाल के बताइएगा ये कैसा बना हुआ है, ये टेस्ट करके इसको बताएंगे। अगली वीडियो का वेट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।